हेलो दोस्तों, मैं आपको एक वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। वाटर लेवल फ्लो अलार्म, जैसे ही आपका टैंक फुल हो जाएगा और ये अलार्म बनना चालू हो जाएगा। ये 220 एसी बोर्ड से ऑपरेट होगा। मैंने लगा दिया है और इंडिकेटर चालू हो गया। मान लो ये मैं प्रैक्टिकल के द्वारा बता रहा हूँ आपको, एक टैंक है और इसमें हमने एक तार जोड़ देना है, दो तार जोड़ देने, एक टैंक के नीचे रख डाल देना है और एक टैंक के वहाँ तक जहाँ तक आपको पानी फुल करना है। ठीक है, इस तरीके से। एक तार मैंने अंदर डाल दिया नीचे और दूसरी तार ऊपर, जैसे कि टैंक के फुल होने तक। अभी मैं पानी पानी भरता हूँ इसमें। अब देखिए, नीचे वाले तार को छू लिया था पानी ने, ये जैसे ऊपर वाला तार छुएगा अलार्म बजना चालू हो गया। ये आपको उस जगह पे लगाना है जहाँ पे मोटर का कनेक्शन है, ताकि मोटर और ये एक साथ बंद हो, नहीं तो ये बचता रहेगा। और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और ये चिप है, ये ट्रांसफार्मर है, तो एसी से डीसी बना के दिया हुआ है, और इंडिकेटर है, और इसमें एक स्पीकर है। बस इतना सा सिंपल सा है। आप चाहो तो इसका पार्ट्स लेके आप घर पे भी बना सकते हो। थैंक यू।